सभी बच्चे जल्दी से जल्दी क्लास को शेयर कर दें और लाइक करें। गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे साथियों, वैसे तो गुड इवनिंग बोलना चाहिए लेकिन मुझे लग रहा मॉर्निंग हुई है। आप लोग जुड़ गए हैं, सबके कमेंट मुझे दिख रहे हैं। सभी प्यारे साथियों जल्दी से क्लास को लाइक कर दीजिए और दोस्तों में तुरंत शेयर कर दीजिए। सिर्फ 2 मिनट का टाइम है, उसके बाद हम लोग समय है, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। उम्मीद करते हैं आप लोग मेरी बात समझ गए हो, तो बहुत जल्दी से करिए। अविनाश जी कमेंट आपका आ रहा, बाबू एक बात को कॉपी पेस्ट ना करो। प्रियंका सरोज आपका भी कमेंट आ रहा है। बबीता मौर्या जी आपका भी आ रहा है। नाव्या, कुलदीप कौर और कुलबिंदर कौर इनका भी आ रहा है। हरिकिशन, दीपक यादव, अंकुश राज सबका कमेंट आ रहा। बाबू आवाज़ सही आ रही। प्रियंका सरोज आपका भी कमेंट आ रहा है। सब कुछ सही है तो जल्दी से थम्सअप करके क्लास को तुरंत बताइए कि हाँ सब मस्त चल रहा है, उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल भी देर नहीं करना है। हमारे जितने भी प्यारे प्यारे साथी जुड़े हैं इस क्लास को तुरंत शेयर कर दें। अपने व्हाट्सएप के ग्रुप में शेयर करना है बाबू, और क्लास को लाइक करना है। बस 2 ही काम तो आपको करना है, आपको तो सिर्फ 2 काम करना है, बाकी तो सब कुछ मुझे करना है। हाँ, क्लास को तुरंत लाइक कर देना है भाई, 2 सेकंड लगेगा। शेयर की बटन पे क्लिक करके आपके जो भी व्हाट्सएप के ग्रुप हैं उनमें ढकेल देना है। आपके जो 1-2 पढ़ने वाले हैं लग रहा है उनको भी शेयर कर देना है। आपके घर में अगर 1-2 मोबाइल फ़ोन है तो उसमें भी चला लेना है। जितने ज़्यादा बच्चे जुड़ेंगे उतने बेहतरीन, और उतने देर तक क्लास होगी और हमारा गरीब का भी कुछ भला हो सकेगा। हाँ चलो, तो मुझे लग रहा है बच्चे टारगेट के ऊपर हो चुके हैं। 100 बच्चों का टारगेट होता है, 100 हो चुके हैं, तो क्लास आपकी शुरू किया जाए। गीता मौर्या, ललित मीना, शिवम विश्वकर्मा सबका कमेंट आ रहा। बाबू देखो ये मत सोचा करो कि मेरा कमेंट आ रहा कि नहीं आ रहा है। बहुत से बच्चे हैरान रहते हैं मेरा नाम नहीं बोलते हैं। देखो बाबू, सबका नाम बोलेंगे तो पढ़ाई कैसे होगी, क्योंकि 4-5 बच्चे तो हैं नहीं, कम से कम 100-200 बच्चे लाइव में होते हैं। अब हम 200 नाम बोलेंगे तो फिर पढ़ाएंगे कब? अगर हम 200-300 नाम बोलेंगे तो पढ़ाएंगे कब? होता है ये, जो हमारे मतलब सामने आ गया उसको मैंने बोल दिया बस, ठीक है, इतना ही होता है। नीरज जी कमेंट आ रहा आपका। मनोज यादव ठीक है, कमेंट आ रहा है, ठीक है बाबू, बहुत अच्छे, वेरी गुड। बादर खान आपका भी कमेंट आ रहा है। तो चलो सभी जल्दी से फटाफट शेयर कर दो, फिर हम क्लास में चलते हैं। चलो भैया जल्दी से क्लास को लाइक और शेयर कर दो बाबू, तुरंत देर ना करो। देखो टाइम वेस्ट ना करो, टाइम वेस्ट आप लोग ही करते हो, फिर ये नुकसान सबको झेलना पड़ता है। वो टूटी फूटी लाइन आपने सुना है ना, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, खुशियों का चल कर समंदर भी आएगा, थक कर ना बैठ ऐ मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। बहुत से हमारे ऐसे भी मुसाफिर हैं जो काफ़ी थके हुए हैं, निराश हुए हैं। मैसेज आता है, उनका फ़ोन आता है, बहुत परेशान से लगते हैं। अभी हैं तो वो कक्षा 10 में ही, लेकिन 9-10 में भी वो काफ़ी निराश लग रहे हैं, पहले से ही वो मतलब मायूस लग रहे हैं। तो बिल्कुल भी ना मायूस नहीं होना, अभी आपकी लाइफ में बहुत टाइम बचा है, हौसला बना के रखिए, सब कुछ मिलेगा। चलो चलते हैं टॉपिक पे। विकास ठाकुर पहले पढ़ लो बाबू, जो भी हो रहा है पढ़ लो। आराधना कुमारी ठीक है, थैंक यू। बच्चों एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 5 मैंने छोड़ दिया था और 2.5 पे हम लोग आ गए थे। तो 2.4 का जो 3 घात का ये बहुपद था, इसको आज हम करवाएंगे। क्वेश्चन थोड़े लंबे चौड़े हैं, लेकिन आपको ध्यानपूर्वक देखना है, समझना है, समझ में आएगा। जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनके लिए बहुत अच्छा है। चलो देखो समझो, कह रहा कि गुणनखंड ज्ञात कीजिए, क्या करना है, गुणनखंड ज्ञात कीजिए। तो बेटा यहाँ से समझो, इनके गुणनखंड कैसे आप ज्ञात करोगे? अगर 2 घात का ये बहुपद होता तब इनके 2 मतलब क्या होते, फैक्टर होते, और आप आराम से निकाल लेते। हाँ, लेकिन ये 3 घात का क्या है, बहुपद है, तो इनके 3 फैक्टर होंगे। कितने होंगे बाबू? 3 फैक्टर होंगे। तो इनका जो है फैक्टर निकालना, गुणनखंड करना, उतना आसान नहीं है जितना कि 2 घात में है, ठीक है।
उतना आसान नहीं है। तो चलो समझो, हम बात करते हैं पते की, जो हमारे काम की बात है उस पर चलते हैं। चलिए बच्चों, इसके पहले आपने क्या क्या पढ़ा है? गुणनखंड परिमेय पढ़ा है, भागफल नहीं शेषफल परिमेय पढ़ा है ना। तो कुछ उसी तर्ज पे चलेंगे, पहले स्टेप बाय स्टेप समझते चलो। देखो मैंने इसमें कुछ क्वेश्चंस भी आज आपके लिए लिए हैं, अगर टाइम मिलता है तो मैं उसको लिखवा भी दूंगा। हमने नोट किया है कि यहाँ पे फुर्सत में आपको जल्दी से फटाफट बता दें, अगर टाइम मिलता है तो लिखवाऊंगा ज़रूर। हाँ चलो समझो, देखो बच्चा ये तीन पद के बहुपद हैं, इनके तीन फैक्टर होंगे ये तो सबको पता है। इसमें हम क्या करेंगे, बाई ट्रायल मेथड। अब ये ट्रायल मेथड क्या है मैं अभी बताऊंगा। हिंदी मीडियम वाले हिंदी में भी इसको लिख सकते हैं ट्रायल मेथड से। समझो, जो सबसे इसमें लास्ट वाला पद है, अच्छा वैसे छोड़ो ये बताओ इसमें कोई कांस्टेंट है, कोई अचर पद है? दिख रहा तुम्हें कि नहीं? मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया बेटा कि अचर पद क्या होता है, चर पद क्या होता है। तो इसमें तुम देखो तो जो कांस्टेंट है वो दो है, बोलो है कि नहीं? हिमांशु, अरविंद चक्रवर्ती। इसमें बच्चा देखो, अगर तुम कांस्टेंट तो क्या है, दो है ना। तो जो कांस्टेंट होता बेटा इसके क्या करते हैं, पहले फैक्टर करते हैं। ये आपका ट्रायल मेथड है, याद रखना है। समझो, जो कांस्टेंट है उसके फैक्टर करेंगे। फैक्टर क्या क्या हो रहा है, वन और टू। क्या क्या हो रहा है, वन और टू। अब जो इसका फैक्टर आया है, देखो इसका नाम ही है ट्रायल मेथड, हमें क्या करना है, ट्रायल करना है। क्या करना बेटा, ट्रायल करना है। तो अगर इसका फैक्टर वन और टू आया है तो हम यहाँ पर ऐसा मानते हैं, क्या मानते हैं पता है, यहाँ पे ये मानते हैं कि जो x प्लस वन है वो क्या है, x प्लस वन दिए गए बहुपद का एक गुणनखंड होगा। हम वन को लेंगे, वन को इसको x के साथ जोड़ेंगे, ये इसका क्या हो सकता है, पूरे फैक्टर का, पूरे बहुपद का एक गुणनखंड हो सकता है। हो सकता है नहीं, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, ये बोल रहा हूँ कि हो सकता है, ठीक है। तो चलो देखो होता है कि नहीं समझते हैं। थोड़ा सा रुकना, इधर साइड में गड़बड़ कर दिया है कोई यहाँ पे, थोड़ा सा मतलब मिट्टी टाइप का। चलो अब समझो, अब क्या करोगे, x प्लस वन इक्वल जीरो, ठीक है। यहाँ से इतना ही करना है आपको, बाकी लिखना नहीं है, वो मैं समझा दिया। तो x का वैल्यू निकालोगे यार तो क्या आएगा, माइनस का वन आएगा, ठीक है। अब बेटा ये माइनस वन आया ना, हमने क्या कहा था, हमने माना था कि x प्लस वन जो है इस बहुपद का एक गुणनखंड होगा। मैंने क्या किया था, इसे माना था, हाँ मैंने इसको माना है। अभी ये है या नहीं है मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, इसको सिर्फ माना गया बस। तो अब देखो ये मैंने मान लिया, अब अगर ये इसका एक गुणनखंड होगा, अगर ये जो मान है वन आ रहा माइनस में, इसका एक गुणनखंड होगा, तो पूरे बहुपद में अगर हम माइनस वन रखेंगे एक्स की जगह पे तो जीरो होगा। भैया शेषफल परिमेय में पढ़े हो यही कि नहीं, बोलो? गुणनखंड परिमेय में भी यही पढ़े हो, तो चलो रखते हैं। अब जो नहीं पढ़े हैं उनके भगवान ही मालिक हैं। ये एक्स की जगह पे माइनस वन रखोगे भैया तो इतना हो जाएगा बाबू, ये देखो समझो, ठीक है, ये पूरी कहानी समझो, आगे समझते चलो। ये माइनस वन, इसको मैं आगे हल कर सकता हूँ ना, क्योंकि यहाँ पे जगह तो है नहीं, तो मैं इसको ऊपर ले चल के हल करूँगा, समझते चलो। देखो बेटा केवल समझो तब तो अच्छा है, कमेंट के चक्कर में पढ़ोगे तो मैं कमेंट नहीं पढ़ पाऊँगा हर किसी का, फिर पढ़ोगे या तो कमेंट ही पढ़ोगे, दो में इक्के करोगे। माइनस वन, देखो इसकी घात माइनस जो वन है तीन है ना, अगर घात विषम है तो उसका आंसर हमेशा क्या आता है, माइनस में आता है, तो ये माइनस वन होगा, इसका मान माइनस वन, और बच्चा ये देखो प्लस हो जाएगा, घात सम है ना, तो प्लस वन हो जाएगा, और दो में गुणा करोगे तो ये तुम्हारा हो जाएगा माइनस का दो। अब इतना तो तुम्हें कैलकुलेशन करना आता है, इसमें तो कोई तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ललित मीना, नीरज कुमार, अंकुश राज, बहन को बहन होती है बेटा, पढ़ लो, नहीं तो बहन बहन नहीं अभी कुछ और बन जाएगी, समझ रहे हो ना, पढ़ लो, भूत प्रेत बन जाएगी, पढ़ लो पढ़ लो। चलो
इनको हल करेंगे। यहाँ पर थोड़ा मैं बराबर का चिन्ह लगा लेता हूँ, अच्छा लगेगा। इनको छोटा सा चिन्ह कर दिया, समझो। माइनस वन माइनस दो, ये माइनस का तीन हो जाएगा और ये दोनों भी हो जाएगा तीन। तो बच्चा ये फाइनल में माइनस का तीन और प्लस का तीन हो जाएगा, मतलब जीरो हो गया। कुछ समझ में आया? कुछ समझ में आया? मंतासा रानी पढ़ लो, हाँ पढ़ लो, पढ़ लो, नहीं तो कमेंट तो पहुंच ही रहा है, तुम नहीं पहुंच पाओगी, तुम पीछे हो जाओगी। ठीक है, तो ये जीरो हो गया ना। अच्छा एक बात बताओ, यहाँ से तुम्हें कुछ समझ में आया कि नहीं? आया समझ में? अगर ये जीरो हो गया, इसका मतलब x प्लस वन क्या है? इस दिए गए बहुपद का एक गुणनखंड है। अब लिखो, आगे लिखो, ये जीरो हो गया ना, आगे लिखो, अतः आगे लिखो, चूंकि शेषफल जीरो आ रहा है, अतः x प्लस वन दिए गए बहुपद x क्यूब माइनस दो एक्स का स्क्वायर माइनस x प्लस टू का एक गुणनखंड है। ठीक है, क्या है इसका? एक गुणनखंड है, इसको लिख लेना तुम। अब मैं यहाँ पे लिखूंगा नहीं, मिटा रहा हूँ, नीचे लिख लेना, चूंकि शेषफल जीरो आ रहा है, अतः x प्लस वन ऊपर दिए गए बहुपद का एक गुणनखंड है। अभी तो फाइनल उत्तर नहीं लिख रहा हूँ, उतना चाहे लिखना या ना लिखना, स्टेप बाय स्टेप पढ़ो, ये थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है। अगर इसका स्क्रीनशॉट नहीं लिए थे तो आप वीडियो पीछे करके थोड़ा स्क्रीनशॉट ले लेना और लिख लेना फुर्सत में। ठीक है, PBR स्टडी के टेलीग्राम चैनल पर आपको इसका PDF भी मिल जाएगा, हल वाला सलूशन। ठीक है, मिल जाएगा, इंतज़ार करना, थोड़ा टाइम लगेगा। चलो चैप्टर ख़त्म हो जाएगा तब मिलेगा बेटा, पूरा बहुपद ख़त्म हो जाएगा तब मिलेगा। अब ये हो गया, मैंने कर लिया, यानी हमें जो इसका एक गुणनखंड मिल गया, x प्लस वन मिल गया, एक गुणनखंड x प्लस वन मिल गया। अब हमें दो और निकालने हैं। कितने निकालने हैं बाबू? दो और निकालने हैं, दो और निकालने हैं। ठीक है, देखो तो अब दो और निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, जो हमारा पहला फैक्टर आया ना बच्चा, उससे हम इसको भाग करेंगे। ठीक है, x प्लस वन जो आया है उससे इसको पूरे को भाग करेंगे, फिर हमें दो और फैक्टर मिलेंगे। ये तो तुम लोग कर लोगे कि नहीं? कर लोगे ना भैया? बताओ हिमांशु, कर लोगे बेटा? इधर जगह कम है तो मैं उधर साइड में इसको भाग करूँगा, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा जगह की कमी होगी, हाँ स्पेस थोड़ा कम है। ये x प्लस वन तुम याद रखना, x प्लस वन याद रखना, मैं लिख नहीं रहा हूँ, मिटा दे रहा हूँ। हाँ चलो, उधर साइड में करूँगा क्योंकि इधर जगह कम है, यहाँ करूँगा इसे, x प्लस वन, हाँ दिख रहा है, x क्यूब माइनस ये दो एक्स का स्क्वायर, देखो समझो, माइनस का x प्लस का दो। इनको क्या करना भैया? इनको हमें अब भाग करना है। भाग करना तुम सभी जानते हो, अगर बेसिक जानते हो तो बेटा, अगर बेसिक नहीं जानते हो ना तो PBR स्टडी कर तुम बेसिक मैथ ज्वाइन करो, वहाँ से बेसिक सीख जाओ। चलो अब x यहाँ पे है, हमें x का क्यूब लाना है। अच्छा तुम सभी एक बात बताओ मुझे, अगर हम कहें कि x में किससे गुणा कर दें कि बेटा x का क्यूब आ जाए, जल्दी बताओ, बोलो। ऐसे ही आसान नहीं है, बहुत ज़्यादा इतना आसान नहीं है। स्टडी चैनल बेटा पढ़ लो, पढ़ लो, नहीं तुमको तो हम बहुत अंदर कर देंगे, हाँ दोबारा ऊपर ना निकल पाओगे। पढ़ लो, कितना आएगा? x माइनस वन है, डिवीजन x माइनस वन है। अरे भाई x माइनस वन है, कहाँ पे x माइनस वन है? x प्लस वन मैंने माना था ना, तुम क्वेश्चन नहीं समझ रहे हो कहाँ है। शिव कुमार प्रजापति, AK, ललित मीना, लकी, संकेत, गीता, बहुत अच्छे। चलो यक्स का स्क्वायर से ना बेटा, ठीक है, किससे? यक्स का स्क्वायर से मल्टीपल करेंगे तो यक्स का क्यूब बनेगा। हमें यक्स का क्यूब लाना है, इसलिए हम क्या करेंगे, यक्स में यक्स का स्क्वायर से गुणा करेंगे, मतलब जो ऊपर जाएगा वो जाएगा यक्स का स्क्वायर, समझ गए ना? तो बच्चा यहाँ नीचे आ जाएगा यक्स का क्यूब। अब इस यक्स का स्क्वायर से वन में भी मल्टीपल होता है, तो ये प्लस है, ये भी प्लस है, तो प्लस यक्स का स्क्वायर होगा। भैया अकेले तो गुणा नहीं होगा ना, होगा तो दोनों में होगा। इतना सबको समझ में आया? आशीष यदुवंशी,
कुछ समझ में आया? मैं बहुत जल्दी जल्दी बोलता हूँ, हमारी कोशिश है, थोड़ा रुक रुक के बोलूँगा मैं, थोड़ा सांस ले लेके बोलूँगा। चलो अब ये कट जाएगा भाई साहब, ये प्लस माइनस दोनों माइनस माइनस तो 3x का स्क्वायर हो जाएंगे, ऊपर से माइनस x उतार लोगे और प्लस का 2 नीचे उतार लोगे। इसमें किसी को कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है? नहीं। अब बच्चा माइनस का 3x तुम ऊपर ले जाओगे, क्यों ले जाओगे? क्योंकि तुमको यहाँ पर माइनस का 3x का स्क्वायर लाना है। कहने का मतलब कि हमें यक्स में किसी ऐसे नंबर से गुणा करना है कि हमें इतना मिल जाए। हमें कितना मिल जाए? इतना मिल जाए। ये निकालने का तरीका मैं तुम्हें बता चुका हूँ, जैसे तुम इसको ऐसे ट्राई कर लो कि 2 में हम किससे गुणा करें बच्चा कि 18 हो जाए। 2 में हम किससे गुणा करें 18 हो जाए, इसको तुम जानते हो ना? मान लो तुम्हें नहीं पता कि 9 होता है, तुम इस पे a मान लो, तो तुम a बराबर निकाल सकते हो बच्चा 18/2 = 9। निकाल सकते हो ना? उसी तरह से तुम इसका भी निकाल लेना। समझ गए ना? चलो ये बहुत छोटी चीज़ें हैं, इनको इसमें नहीं बताना चाहिए, इसीलिए 2 मिनट का सवाल 10 मिनट में होता है, क्योंकि मैं उन गधों का भी ख्याल रखता हूँ जो गधे वाला काम करते हैं। माइनस 3x का x में गुणा करोगे बच्चा तो ये माइनस 3 का x का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 3x का इसमें करोगे बच्चा तो ये माइनस 3 का x हो जाएगा, ठीक है ना बाबू? तो ये आपके कट पट जाएंगे, ये आपका 2x + 2 हो जाएगा। अब बोलो कितना भर जाएगा? अंकुश राज बेटा बहुत पढ़ाई कर रहा है, तुम कमेंट ज़्यादा कर रहे हैं ना। करण मीना ठीक है, अब बच्चा 2 बार ले जाओगे, 2 बार ले जाओगे तो 2x + 2 आएगा, ये सब ख़त्म हो जाएंगे, 0 आएगा। लड्डू क्या मिला तुम्हें, कुछ मिला? स्टडी चैनल को ब्लॉक कर दो भाई, ये बहुत ज़्यादा परेशान है। स्टडी चैनल को ब्लॉक कर दो थोड़ा देर के लिए। चलो अब देखो बच्चा, इसका जो गुणनखंड आया था बाबू, जैसे मैं स्टेप बाय स्टेप कर रहा हूँ ऐसे तुम्हें परीक्षा में भी करना है। पहले जो मैंने किया था उतनी ओझाई तुम्हें करना है, उतना करने के बाद उसके नीचे तुम्हें ऐसे भाग करना है जैसे मैंने बताया था, वैसे लिख के भाग करना है। भाग करने के बाद में फिर तुम्हें क्या करना है समझो, भाग करने के बाद में तुम्हें क्या करना है, जो भागफल आ रहा है ये कोएफिशिएंट, इनके फैक्टर करने हैं, और फिर इनके 2 बच्चे मिलेंगे, 2 लड़के चुन्नू मुन्नू हाँ, और एक पहले आया था, मतलब एक सिंगल था, बाद में 2 जड़ुआ मिलेंगे तो 3 हो जाएंगे। उन्हीं तीनों को आपको बताना है, उन्हीं तीनों का नाम लिखना है। चलो तो पहला गुणनखंड हमें मिला था, अब नीचे हम लिखेंगे, अब हम प्राप्त भागफल, भागफल कितना आया देखो ऊपर, का गुणनखंड करेंगे। क्या करेंगे बच्चा? गुणनखंड करेंगे। इतना स्क्रीनशॉट ले लो, नहीं तो मैं मिटा दूंगा तो फिर तुम कर नहीं पाओगे, जल्दी करो, इतना स्क्रीनशॉट ले लो, मैं छुप गया हूँ बगल में। चलो देखो मैं पूरा बोर्ड बीच बीच में खाली करता रहता हूँ तुम लोग को देखने के लिए, तुम लोगों को लगता होगा कि पता नहीं कहाँ किससे मिलने चले गए, लेकिन मैं यहीं साइड में खड़ा हो जाता हूँ। विनोद शर्मा, बाबुआन, चलो हो गया। तो ये आपका क्या हुआ, एक अभी स्टेप पूरा हुआ, अभी पूरा नहीं हुआ, अभी इसके फैक्टर करोगे, कोई बताएगा इसका फैक्टर क्या होगा? देखो बच्चा उसको मैं मिटाऊंगा, आप उधर जो मैंने खड़ा किया ना उसको, मतलब इतना बड़ा दीवाल उसको हटाओ, चलो हटाओ, ये खड़ी हुई दीवाल मैं हटाने वाला हूँ, स्क्रीनशॉट ले लो। हो गया, चलो देखो मुझे लगता है खुद कि मैं इसमें थोड़ा तुम लोग को ज़्यादा टाइम देता हूँ, लेकिन कुछ गधे टाइप के बच्चे हैं, मुझे उनको भी देखना पड़ता है, नहीं तो मैं तुरंत लिखूँ तुरंत मिटाऊँ, मैं 4G की स्पीड में वैसे बोलता हूँ जल्दी जल्दी।
वो तो मुझे थामना पड़ता है, बहुत खुद को रोकना पड़ता है। भाई व्हाट्सएप यादव, आप गड़बड़ करने लगे ना, ब्लॉक करने लगे लोगों को। चलो अब इनके क्या करोगे, फैक्टर करोगे, यक्स का स्क्वायर फैक्टर करना तुम सब जानते हो, कक्षा नौ में पहुंचो, मैं नहीं बताऊंगा अब। तुम सब जानते हो यक्स का स्क्वायर माइनस तीन का ऐसा गुणनखंड करो जिसको जोड़ दें तो तीन आ जाए, गुणा करें तो दो आए। तो बच्चा ही का हो जाएगा दो प्लस वन इंटू यक्स प्लस दो। फाइनल में यक्स का स्क्वायर माइनस दो यक्स माइनस यक्स प्लस दो। ठीक है, लिख लो मार्कर में, थोड़ा स्याही भर लूँ जिससे तुम लोगों को थोड़ा और अच्छा दिखे। चलो लिखो फटाफट, लिखते चलो बच्चा। और हाँ एक चीज़ और सुन लो, जो बच्चे इस क्लास को लाइक नहीं करे बाबू, जल्दी जल्दी से सेशन को लाइक कर दो। अगर इस सेशन को लाइक नहीं करे हो तो अगली क्लास तुम देख पाओगे या नहीं कोई गारंटी नहीं है। और जो बच्चे कमेंट नहीं कर पा रहे हैं, तड़फड़ा रहे हैं ना, वो चैनल को सब्सक्राइब नहीं करे इसलिए नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि जो सब्सक्राइब नहीं करा वो कमेंट नहीं कर पाएगा, ये हमारा सिस्टम है। चलो तो इसमें क्या करोगे भैया, यक्स कामन ले लोगे बाबू, तो यक्स माइनस दो बचेगा, माइनस वन कामन ले लोगे, यक्स माइनस दो बचेगा। तो तुम्हारा यक्स माइनस दो और यक्स माइनस वन क्या हो गया, ये दो गुणनखंड हो गए, ये तो दो जोड़ुआ लड़के हैं। एक ठी छोटका हुआ सबसे पहले होएगा रहा ना, तुम्हें कुछ समझ में आ रहा है। सबसे पहले एक फैक्टर मिला था गुणनखंड, जिसको मैंने कहा था सजो के रख लो, मिला था ना। तो इतना दोनों ये तथा, इनको थोड़ा साइड में लिखता हूँ, रुको एक मिनट, एडजस्ट करने की जगह होनी चाहिए, रुके रहो। एक गुणनखंड सबसे पहले आया था, देखो देखो समझो। तो अब मिट जा भाई यार, ये भीगा रहता है ना तो चलता नहीं है ये। देखो समझो, यहाँ से इनको इधर साइड में इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि उधर जगह नहीं थी। तो यक्स माइनस टू और यक्स माइनस ये तथा एक पहले आया था, दो एक पहले आया था ना, यक्स प्लस वन, ये आंसर हो गए। ये इनके क्या हो गए, तीन गुणनखंड हो गए। आपको यही तीन गुणनखंड निकालने थे, ठीक है। एक वो नहीं जो कह रही हो, वन और टू क्या बोलते हैं उसे भाई, वो नहीं, वो नहीं, कौन है ये बोल रहा है, अंकिता, नहीं अंकिता वो नहीं होगा, वन और टू नहीं, एक्स प्लस वन। चलो लिख लो लिख लो, जल्दी स्क्रीनशॉट ले लो, मैं सामने से हट गया हूँ, नहीं तो मैं मिटा रहा हूँ पाँच सेकंड में, जल्दी करो। वर्षा ठाकुर पढ़ाई कर लो, पढ़ाई कर लो। दीपक बेटा अभी तुम नाम में ज्योति लगाए हो इसीलिए मैं तुम्हें ब्लॉक नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अब तुम्हारी ज्योति बुझने वाली है क्योंकि तुम ब्लॉक होने वाले हो। हाँ हो गया, नोट कर लिए, देखो ज्यादा टाइम नहीं है नोट करवाने का कि छपवाऊं मैं, रुके रहो तुम। चलो अच्छा बच्चा ये बताओ, ये तो आपका फर्स्ट पार्ट हो गया, इसमें बच्चा चार पार्ट हैं बाबू, तो कर लोगे तुम लोग चारों क्या? हाँ सेकंड पार्ट कौन कौन कर लेगा बोलो, हाँ इसका दूसरा पार्ट आप कर लोगे कि नहीं, बताना पड़ेगा या रहने दें, क्या कह रहे हो, यस या नो? अगर बताना पड़ेगा तो बोलो यस, नहीं तो नो। हाँ बताना पड़ेगा, कर लोगे? शशिकांत बेटा पढ़ाई कर लो, शशिकांत बहुत लात लात मार खाओगे जान लो, दिमाग में अपने रख लो, समझा रहा हूँ ना इतना देर से। समझ में नहीं आता नालायक कहीं के। गुणनखंड ज्ञात कीजिए,
देखो समझो, अधिकतर लोग बोल रहे हैं कि करवाया जाए, कुछ लोग बोल रहे हैं ना करवाया जाए। ये जितने गधे टाइप के हैं, खच्चर टाइप के ना, ये चाहते हैं कि मैं सब लिखूं और ये सब छाप लें। ये इतना तक कहते हैं कि नोट्स भी दे दो गुरुजी, और तुम पढ़ा भी दो, एक एक क्वेश्चन पढ़ा दो, उसका नोट्स भी दे दो, पीडीएफ भी दे दो, और मैं आराम से लेटे लेटे पलट पलट देख लूँगा बस। हाँ हाँ ये है ये। बेटा एग्ज़ाम में कुछ होगा नहीं, हाँ कुछ नहीं होगा एग्ज़ाम में, पलटते ही रह जाओगे। अगर तुम खुद से एक क्वेश्चन बताया जाएगा, दो खुद से करोगे, नोट्स खुद से बनाओगे, अभ्यास करोगे, एक एक क्वेश्चन दस दस बार लगाओगे, आठ आठ बार, तब जा करके तुम परीक्षा में सब कर पाओगे पूरा 100%। तुम सोचो कि गुरुजी सब लगा भी दिए हैं, पीडीएफ भी दे दिए, सब मिल जाए आराम से प्यार से, हाँ कैसे है वो हरदी लगे ना फिटकरी रंग चोखा होए, तो फिर ऐसे काम नहीं होने वाला है, कुछ आए आएगा नहीं, समझ रहे हो ना। चलो फिलहाल मैं दूसरा करवा देता हूँ, अगर तुम लोग का मन है तो दूसरा करवा देता हूँ, तुम लोग का मन है लेकिन तीसरा नहीं करवाऊँगा, देख लो दूसरा भी। यक्स का क्यूब माइनस 3x का स्क्वायर माइनस 9x माइनस का 5, इसका क्या करना है भैया? इसमें भी वही करना है, गुणनखंड करना है। ये भी देखो बेटा तीन घात का है, हाँ दुई घात का नहीं है, तीन घात का ये भी है। चलो देखो इसमें क्या करना है। अच्छा बताओ बच्चा, इसका जो अचर पद है वो क्या है? इधर साइड में कुछ प्रक्रिया होती है, हाँ जैसे होता नहीं किसी की शादी वादी होती है तो कुछ लोग बगल में जाके चर्चा करते हैं, फला नहीं आवाइ आवाइ, हाँ वैसे इनकी साइड में चर्चा ये करेंगे कि इसमें जो अचर पद है कांस्टेंट है वो क्या है? 5 है। क्या है? 5 है ना, समझो यहाँ से। तो बेटा यहाँ पे जो कांस्टेंट है वो क्या है? 5 है। अब तुम एक काम करोगे, 5 के फैक्टर करो, कितने कितने आएंगे? 5 के फैक्टर करो भाई साहब, 5 के जो फैक्टर आएंगे 1 और 5 आएगा, और कहाँ आएगा इसके, और कुछ है नहीं, 1 और 5 आएगा। आप समझो, देखो बच्चा जो कमेंट कर रहे हैं उनसे निवेदन है सिर्फ पढ़ाई करो, हाँ सिर्फ पढ़ाई करो, नाम बोलेंगे तो पढ़ाई नहीं होगी, पढ़ाई होगी तो नाम नहीं बोलेंगे। तो तुम चाहोते क्या हो, कि तुम्हारा नाम बोलूँ या पढ़ाई कराऊँ? पढ़ लो। तो अचर पद क्या है? 5 है, इसके जो गुणनखंड है 1,5 है, तो वही पुरानी प्रक्रिया फिर से करेंगे बाई ट्रायल मेथड, बाई ट्रायल मेथड। देखो बेटा समझो, बाई ट्रायल मेथड में क्या होता है, अगर इसके गुणनखंड 1 और 5 हैं तो हम ये मान के चलते हैं कि दिए गए पूरे बहुपद का एक गुणनखंड x प्लस 1 होगा। मतलब कि तुम्हें क्या करना है, इसका जो चर पद है यानी वेरिएबल है उसके साथ में इस गुणनखंड को जोड़ करके रखना है बस, ठीक है। तो हम ये मानते हैं कि x प्लस 1 क्या होगा, इसका एक गुणनखंड होगा। तो बेटा अगर इसका एक गुणनखंड x प्लस 1 है तो इसमें x प्लस 1 इक्वल 0 करने पर क्या होना चाहिए, मतलब जो इसका मान आएगा उसको इसमें रखें तो ये पूरा 0 हो जाए। भाई कहते हैं ना अपने ही अपने से हार जाते हैं, वही हाल है, मालूम है तुम्हें कि नहीं। कोई कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, कितना भी पावरफुल क्यों ना हो, पैसा वाला क्यों ना हो, हर चीज़ से संपन्न हो, लेकिन अगर कोई उसका खास हो, करीबी हो और उसको हराने पे लग जाए तो वो हार जाएगा, समझ रहे हो ना। तो बस वही कंडीशन यहाँ पे होती बच्चा, अगर ये इसका एक गुणनखंड है तो इसका मान इसमें रखने पे 0 होना चाहिए, मतलब 0 आ जाना चाहिए। तो इसको ट्राई करते हैं हम, नाम से मैं यहाँ पे स्पष्ट है ट्रायल मेथड, नाम से तुम्हें दिख रहा है ट्रायल मेथड ना। तो चलो जैसे गुणनखंड परमीय पढ़े हो वैसे ये भी होता है। तो यहाँ पे क्या आएगा, एक्स का वैल्यू क्या आएगा, माइनस 1 आएगा ना, क्या आएगा बच्चा, माइनस 1। अब इसमें तुम क्या करोगे, एक्स का मान माइनस 1 रखोगे और चेक करोगे क्या ये 0 होता है या नहीं। चलो तो पी ऑफ माइनस 1, अच्छा देखो इसमें क्या पी ऑफ करके दिया था, नहीं ना, फिर भी तुम रख लोगे कोई दिक्कत नहीं है। माइनस 1 क्यूब माइनस ये 3 और माइनस 1 का स्क्वायर 9 माइनस 1,
इनको फाइनल में हल करो और मुझे बताओ क्या ये जीरो आ रहा है, जल्दी बोलो हल करके, क्या ये जीरो आ रहा है? खुशी सिंह, मंतासा रानी तुम पढ़ने नहीं आई हो, नाम में तुम्हारी रानी लगाया, तुम रानी वाला काम भी कर रही हो इस समय, रानी से रंक बन जाओगी बहुत जल्दी, है तो पढ़ाई कर लो, कर लो पढ़ाई। देखो समझो, अब ये माइनस वन हो जाएगा, इनको आगे हल कर दें, यहाँ पे देखो मैं फाइनल करके तुम्हें बता देता हूँ, जीरो आएगा वैसे ना, करके देखो जीरो आ रहेगा, जीरो आएगा ना, सब बच्चे कर लो हल करना, तुम सब जानते हो मुझे बताना नहीं है, जीरो आएगा ना, तो बच्चा अगर ये जीरो आएगा हल कर लो, इसमें कोई बड़ी बात है नहीं, मैं बहुत बार बताया हूँ कैसे करते हैं। तो देखो बेटा ये हो गया, जीरो आ गया, अब क्या करेंगे हम लोग, अगर ये जीरो आ गया इसका मतलब x प्लस वन इसका क्या है, पूरे बहुपद का एक गुणनखंड है, नीचे लिख लो, चूंकि शेषफल जीरो आ रहा है, चूंकि शेषफल जीरो आ रहा है, अतः x प्लस वन, अतः x प्लस वन ऊपर दिए गए बहुपद p ऑफ x का, ऊपर दिए गए बहुपद p ऑफ x का एक गुणनखंड होगा, एक गुणनखंड होगा। इतना करने के बाद बच्चा क्या करोगे तुम, वही जो अभी करते आए हो, ये ऑपरेशन होगा इनका, सूली पे चढ़ेंगे ये, चलो ले चलो, इनको भाग करोगे उसी से, समझ गए ना, इनको क्या करना है, भाग करना है। मैंने जैसे बताया था कि भाई ये नए नए हैं, इनकी नई नई शादी हुई है, पहली बार इनके सिंगल मतलब सिंगल क्या बोलते हैं उसे, चौवा, चौवा सुने हो कहीं कि नहीं, बच्चा जान लो चलो तुम, सिंगल बच्चा पैदा होता है भैया, दूसरी बार में कुछ ज़्यादा है, मतलब समझ रहे हो, जोड़वा हो जाता है, तो पहली बार में सिंगल वाला हो गया, सिंगल वाला मतलब x प्लस वन इसका क्या एक गुणनखंड है, अभी दो इसमें से निकलेंगे, मैं इतने कॉन्फिडेंस से क्यों बोल रहा हूँ कि तीन होंगे, क्योंकि इनकी घात तीन लगी है, जितनी घात होगी इनके उतने ही गुणनखंड होते हैं, जितनी घात होती है उनके उतने ही क्या होते हैं, गुणनखंड होते हैं, ठीक है बच्चा, समझ रहे हो ना बच्चा, चलो देखो समझो, तो आप क्या करेंगे, x प्लस वन से इनको भाग करेंगे, तो भाग कर लो, यहाँ पे ऊपर कितनी बार जाएगा, x का स्क्वायर जाएगा, x का क्यूब आएगा, x का स्क्वायर का वन में मल्टीपल करोगे बच्चा, तो ये x का स्क्वायर आएगा, जिनको देखो ना समझ में आएगा बेटा, अगर तुम बेसिक मैथ नहीं जानते हो तो नहीं आएगा, तो PVR स्टडी चैनल पे बेसिक मैथ ज्वाइन कर लो, अगर तुम्हें बेसिक मैथ आ रही है तो तुम बड़े प्यार से इसे कर सकते हो, बिना बेसिक मैथ के बच्चा नहीं कर पाओगे। चलो अब ये क्या होंगे, कट जाएंगे, और ये आपका चिन्ह मैंने बदला नहीं, ये प्लस और प्लस, देखो x का स्क्वायर यहाँ होगा, प्लस में होगा, फिर ये माइनस करोगे बच्चा, तो ये क्या होंगे, माइनस माइनस सब क्या होंगे भाई, जुड़ जाएंगे बाबू ना, तो ये जुड़ जाएंगे, माइनस चार एक्स का स्क्वायर हो जाएगा, और ऊपर से माइनस नौ एक्स और माइनस का पाँच, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो चार एक्स का स्क्वायर है, हमें क्या लाना है, चार एक्स का स्क्वायर लाना है, तो बच्चा ये बताओ तुम, सभी बच्चे सोच के बताओ, जिनको बेसिक आता है वो बता लेंगे, एक्स में हम किससे मल्टीपल करें कि हमें माइनस फोर एक्स का स्क्वायर मिल जाए, एक्स में किससे मल्टीपल करें कि माइनस फोर एक्स का स्क्वायर मिल जाए, जरा सोच के बताओ। तो देखो बेटा सबसे पहले तो मुझे फोर लाना है, वो भी माइनस में लाना है, यानी हम पहला नंबर तो माइनस चार से करेंगे, तो हमें चार एक्स मिल जाएगा, लेकिन हमें चचा के ऊपर एक चुरकी लगानी है, दो ही लाना है इनके साथ है, में एक टी एक्स से भी गुणा कर देंगे, इनकी जोड़ा भी बन जाएगा बस, माइनस फोर एक्स, विवेक कुमार, ए के, वीना, ब्रिज मोहन, मीरा, दिनेश, इरफान अंसारी, बहुत अच्छे बच्चे, वेरी गुड, वर्तिका श्रीवास्तव, गलत है तुम्हारा, कहते हैं मेरा नाम नहीं लेते हैं, जो क्वेश्चन पूछता हूँ तो ये नालायक मुँह में दही जमा लेते हैं, नहीं कमेंट करेंगे, बाद में कहेंगे मेरा कमेंट जा रहा है, मेरा कमेंट जा रहा है,
अबे इडियट जा रहा है चाहे भाड़ में जाए मुझसे का मतलब तुम्हारा जा रहा कि नहीं जा रहा है, तुम्हें मतलब का चीज तो करना है नहीं। देखो तो ऊपर कितना जाएगा माइनस फोर एक्स, तो ये क्या आएगा माइनस फोर एक्स का स्क्वायर। देखो जब कोई क्वेश्चन पूछता हूँ तो तुम लोग पहले कमेंट करोगे तो नाम बोला जाएगा सबसे पहले, और करोगे कब जब तुम ध्यान से पढ़ोगे तब ना, जब मैं पढ़ा रहा हूँ बीच में मैं अचानक क्वेश्चन पूछ लिया तुम उधर पूछ रहे हो पूजा क्यों रिप्लाई नहीं कर रही हो, हाँ उधर से रिप्लाई आ रहा है अंकित तुम तो बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हो, तो मैं क्वेश्चन पूछूंगा तो तुम्हें हमारा क्वेश्चन कहाँ समझ में आएगा, हाँ तुम तो किसी और क्वेश्चन में उलझे हो पहले से। माइनस फोर एक्स में मल्टीपल हुआ तो ये माइनस फोर एक्स का स्क्वायर, माइनस फोर एक्स का इसमें गुणा करोगे तो ये माइनस फोर एक्स, बच्चा इनके चिन्ह बदलोगे कुछ समझ रहे हो, तो ये हो जाएगा माइनस का फाइव एक्स और बाद में जो पाँच है ये चचा इसे उतर आएंगे ऊपर से आराम से नीचे खिसक जाएंगे। समझो अब ऊपर कितनी बार जाएगा भाई साहब, माइनस पाँच बार ले जाओ तुम तो माइनस पाँच एक्स आएगा और ये माइनस पाँच आएगा, ये कट पिट के सब बराबर हो जाएगा, जीरो आएगा शून्य आ जाएगा, यानी आपका जो एक द्विघात बहुपद आया वो क्या आया बोलो कितना आया राजन कुमार बताओ, एक द्विघात बहुपद आया ना बाबू कितना आया मुझे बताओ कोई भी। खुशी सिंह तुम काहे परेशान हो किसी को ब्लॉक कराने के लिए, तुम्हें कौन सा मिर्ची लग रहा है कौन तुमको काट रहा है का। देखो जो पढ़ने वाले हैं कमेंट बंद करके केवल पढ़ाई करो, जब मैं कोई क्वेश्चन पूछूं तुम एक बार कमेंट करो फिर चले जाओ, फिर कमेंट ना करो, मैं बार बार तो पूछता नहीं हूँ। हाँ तुम देख रहे हो कोई अपना खोपड़ी पटक रहा है अपने हाथ में गोबर लेके घूम रहा है अपने मुंह में लगा रहा है तुमसे क्या मतलब है, हाँ कोई गलिए लिख रहा है मान लो गंदा लिख रहा है सही लिख रहा है तुमसे क्या मतलब, तुम अपना पढ़ाई करो कमेंट बंद कर दो मरने दो उसको उसी में, हाँ समझ रहे हो ना। हाँ क्योंकि रुक गया भाई मैं नहीं आया सामने ना, रुक गया ना, हाँ रुक गया ना, एक मिनट रुको थोड़ा सा रुक जाओ भाई थोड़ा सा रुक जाओ, आ गया हूँ ना मैं आ गया हूँ ना, चलो हाँ तो इसको लिख लो इसके दो फैक्टर करने हैं बस हो गया बाकी की बात पूरा हो गई। कोई दिक्कत नहीं चलो, हाँ तो देखो देखो इन लोगों ने मुद्दा उठाया तो मैं बता ही देता हूँ जो कमेंट में परेशान कर रहे हैं, इसके बाद हम इनके दो फैक्टर कर लेंगे बस हमारा फाइनल आंसर हो चुका है। बच्चों ये बताओ तुम लोगों ने गोबड़ौला देखा है, हाँ गोबड़ौला देखा है कि नहीं देखा है, देखा है ना, अरे वही जो गाँव से बहुत अच्छे से जानते हैं जो गाय वाय गोबर करती है सुबह सुबह तुम लोटा लेके जाते हो बाहर खेत में हगो के आते हो तो वो लोग क्या करते हैं उसको गोला बना बना के ढकेल ढकेल के ले जाते रहते हैं बरसात में, देखे हो ना, हाँ अब तुम लोग को बड़ा बुरा लगा होगा कैसा बोल रहे हैं, समझो उन लोग का भी रहना इस समाज में बहुत ज़रूरी है, समझ रहे हो कि नहीं, तो जो यहाँ गंदे काम कर रहे हैं इनको वही मान लो ये सफाई कर रहे हैं मतलब वही से कुछ काम करते हैं, हाँ तुमको पता है अगर वो लोग नहीं रहेंगे ना, जैसे देखो गिद्ध चले गए ना दुनिया से, कोई वस्तु सड़ जाएगी, कोई कुत्ता बिल्ली इंसान जानवर कहीं गंदगी करेगा तो उसको कोई साफ नहीं करेगा, तुम सड़क पे चलोगे गांव में खेत में चलोगे ना चब चब पैर रखोगे गोबर में गंदी जगह में, हाँ तो इन सब का रहना ज़रूरी है, समझ रहे हो कि नहीं तुम लोग, समझ रहे हो ना, तो उनका भी रहना इस समाज में ज़रूरी है। लेकिन हाँ ये बात मैंने क्यों बताया पता है तुम्हें, इस समय बड़ी अफसोस की बात है कि उनकी संख्या जो है ख़त्म हो जा रही है, जैसे गिद्ध की संख्या ख़त्म हो गई वैसे उनकी संख्या ख़त्म हो जा रही है, एक्चुअली इतनी ज़्यादा लाइट जलाई जा रही है भाई गांव में भी बिजली आ गई, हाँ फलाने अंकल कहते हैं हम बिजली का पैसा दे रहे हैं तो हम काहे ना जलाएं, हाँ वो हैलोजन लगा दिए अपने द्वारे खेत में भुट्टा बोए हैं वहाँ दूसरी LED लगा दिए कुल लाइट चमक रही है, पता है तुमको जो गोबड़ौला होता है उसके पीछे बहुत बड़ा साइंस है, थोड़ा सा सुन लो एक मिनट मैं बता रहा हूँ, बहुत से बच्चों ने देखा होगा ऐसे फोटो में दिखा देता है, एक दिन दिखा दूंगा अगले दिन चलो,
ऊपर पैर करके ऐसे ढकेलता ले जाता ना गोला गोला करके। अच्छा बताओ कौन कौन देखा है, कौन कौन देखा है भाई? वो सिर नीचे किए रहता, पैर ऊपर ढकेलता ले जाता है। सोचो देखता कैसे है, तुम्हें पता है? उसे आगे का रास्ता नहीं पता है, आगे शेर खड़ा है, बिल्ली खड़ी है, गड्ढा है, क्या है। वो आसमान देखता है, तारे देखता है, रात ही में करता है, दिन में नहीं करता इसको, रात में ही करता है। आसमान देखता रहता है, ढकेलता रहता है, तारे देखता है, उसकी सिधाई देखता है, कौन सा तारा किस सीध में है, ऐसे करके ढकेलता ले जाता है। लेकिन जब इतनी ज़्यादा लाइट हो जाती है इस देश और समाज में, गांव देश मोहल्ले में, तो उसको आसमान में तारे नहीं दिखते हैं। आजकल के लोग तारे देखते कहाँ हैं? आओ ले चलें तुम्हें तारों के शहर में, है ना? वो तारों के शहर में जाने की तैयारी कर रहे हैं। यहाँ पर कुछ ऐसे भी इंसान जिंदा हैं, हम लोग जब बचपन में थे, आंगन में सोते थे, छत पर सोते थे, तो तारे गिनते थे। भाई आज वो फलाना तारा नहीं निकला है, लग रहा है आज ही बताती थी वो सुकवा है, वो भैया है। हाँ होता है ना, किसी किसी दिन ऐसा होता था केवल तीन ही तारा निकलता था, एक चांद के जस्ट बगल इधर निकलता है, उधर निकलता है। आज ही लोग उनका नाम बताती थी कौन कौन है। आजकल के लोग को पता ही नहीं है, किताब में देखते हैं तारे। हाँ दिन में सोते हुए तारे देखते हैं। तो क्या करें, ये सब परेशानी की बात है। तो आप लोगों से यहाँ पर हम ये बताना चाहते हैं कि फालतू की लाइट ना जलाएं। हाँ फालतू की लाइट ना जलाएं, इससे जो हमारे देश समाज में जो जीव जंतु हैं उनके लिए बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। आने वाले दिन में हम लोग की ज़िंदगी के लिए बड़ी मुसीबत बनेगा। जो लोग कुछ नहीं है, बाहर भैंस बांधे हैं, वो दूठी आलोचन लगा दिए, इससे क्या जीव जंतुओं को बड़ी परेशानी होती है। आपको पता है बहुत से सांप होते हैं रात में, वो देखो ना, एक बहुत करैत सांप होता है, बड़ा बिस्तर, वो रात में ही निकलता है। बहुत सारे ऐसे जीव हैं सिर्फ रात में खाना खाते हैं, अपना भोजन करते हैं। उल्लू जैसे हो गया, रात में ही घूमता है, चमगादड़ हो गई। लेकिन जब तुम रात और दिन दोनों एक कर दोगे लाइट जगमग करके, तो जाएंगे कहाँ, कहाँ जाएंगे सोचो। हाँ चलो तो हम इसको फाइनल कर देते हैं। बच्चा एक फैक्टर इसका एक्स प्लस वन आया था, दूसरा फैक्टर के लिए अब हम क्या करेंगे, नीचे इसके कर लेना। अब हम लिखना, चूंकि भागफल, देखो लिख लो, थोड़ा सिस्टम से बता देता हूँ। लिखो सभी बच्चे यहाँ पे लिखो, चूंकि चूंकि पुकी ना लिखो, सुनो क्या लिखना है। भागफल एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स माइनस फाइव आया, जो कि एक द्विघात बहुपद है, जो कि एक द्विघात बहुपद है। जैसे मैंने बताया था पिछली बार, वैसे लिख लो, जितनी बार मैं लिखवाऊंगा उतनी बार कुछ ना कुछ अलग हो जाएगा, क्योंकि सोच समझ के लिखना पड़ता है। हाँ अपने हिसाब से कैसे भी लिख लो। अब क्या करोगे, इनके क्या करोगे बच्चा, इनके फैक्टर करोगे। गुणा करने पर पाँच आए, घटाने पर चार आए, कोई दो गिनती बताओ। गुणा करने पर पाँच आए, घटाने पर चार आए। तो बेटा देखो, ये हाँ ठीक है, ओके चलो। छः माइनस वन कहाँ से होगा, गुणा करोगे तो कहाँ बनेगा, गुणा करने पर पाँच आना चाहिए। तो यक्स का स्क्वायर माइनस पाँच यक्स प्लस यक्स माइनस पाँच। यक्स कामन लोगे, माइनस वन कामन लोगे, काय प्लस वन, तो ये हो गया बच्चा आपका, ये हो गया ना। लेकिन एक ठीक छोटा छोटा वाला एक तो पहले ना आया था ना, एक तो और आया था ना सबसे पहले, यहाँ पे लिखोगे तथा एक्स प्लस वन, आंसर हो गया। ये इनके तीन गुणनखंड हो गए, याद रखना बच्चा, इन छोटकौवा को ना भूलना, सबसे पहले यही आया था। हाँ समझ गए ना, नाभ्या गुप्ता कुछ समझ में आ रहा है, खुशी कुछ समझ में आया, अनुज पाल आया समझ में, ये बता रहा सब प्लस प्लस है, का है सब प्लस प्लस आ रहा है का, कुछ गड़बड़ हुआ है का भाई, ये प्लस हो जाएगा, आ रहा है सही है कि नहीं, कुछ गड़बड़ हो रहा है का, उत्तरमाला मिला लो। रविशंकर ठीक है ना, 2.4 का क्वेश्चन नंबर 5 का दूसरा पार्ट है, उत्तरमाला मिला लो एनसीईआरटी वाले।
क्योंकि तुम लोगों को थोड़ा कन्फ्यूजन होगा, तो वो भी दूर हो जाए। उत्तर माला मिला लो बच्चा, और वही आएगा, कुछ अलग नहीं आएगा। नीरज कुमार, जीरो से भाग पाँच में देंगे बेटा। जीरो से अगर किसी भी संख्या में तुम भाग दोगे तो अनंत आएगा। शून्य का भाग किसी भी संख्या में दोगे अनंत आएगा, फिर वो कभी कटेगा नहीं। चलो जल्दी लिख लो, आगे बढ़ते हैं फटाफट, बहुत जल्दी करो, देखो टाइम काफ़ी हो गया राजा। ठीक है, ऐसे मज़ा नहीं आती, तुम लोग क्लास को भी नहीं लाइक कर रहे हो भाई। हाँ, क्लास को नहीं लाइक कर रहे हो फिर मुझे क्या करोगे? मैं तो इसी उम्मीद में आया था कि तुम लोग लाइक करोगे। चलो जल्दी करो फटाफट, देखो मुंह भी धुला हूँ आज इसीलिए। जल्दी से सभी बच्चे लाइक कर दो और इसका स्क्रीनशॉट ले लो। मैं भी इधर सेटलमेंट हो जाता हूँ साइड में। हाँ, स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, देर ना करो फटाफट। ये देखो कुछ छुपा नहीं है, मैं पूरा दिखा रहा हूँ, भले मेरी एक आँख दिख रही है लेकिन कुछ छुपा नहीं है। हो गया, मिटाऊं? देखो बच्चा, तो आज का क्लास ख़त्म हो रही है। आप लोग मुझे ये बताओ, क्या आप लोगों को समझ में आया? सबको समझ में आया ना बच्चा? सुबह 7 बजे साइंस की क्लास होती है, क्या तुम्हें पता है? सभी बच्चे बोलो यस, पता है कि नहीं पता है? सुबह 7 बजे साइंस की क्लास होती है, मालूम है? और रोज 7 बजे देखा करो बच्चा, ठीक है? जो टेस्ट वाले बच्चे हैं, देखो बेटा टेस्ट सैटरडे को होता है, रोज नहीं होता है। ये भंडारे खलुआ नहीं है, रोज बांट दो थोड़ा थोड़ा, नहीं। और टेस्ट में सरप्राइज भी मिलता है, ठीक है? सैटरडे को जो टेस्ट होता है बेटा, वो 99 रुपये से लेकर के 199 तक का सरप्राइज अभी तक चल रहा है, और इसको हम बढ़ा करके 999 तक करने वाले हैं। मतलब तुम्हें आधा घंटे में 1000 रुपये जीतने का मौका है। सैटरडे वाला टेस्ट जरूर देखा करो, शाम को 7 बजे से साइंस का, नहीं मैथ का, शाम को 7 बजे से मैथ का और सुबह 7 बजे साइंस का टेस्ट जरूर दिया करो। अपने चाचा चाची अंकल आंटी को भी बुला लाया करो, आधा घंटा में 1000 रुपये जीत सकते हो बड़े प्यार से, लेकिन कंपटीशन फाइट करना होगा। हाँ, आराधना कुमारी, अच्छा एक बात बताओ, आप लोग क्लास को शेयर नहीं करते हो ना सभी, मुझे मालूम है ना। देखो यार, 2 चैप्टर मैथ में ख़त्म हो गया, 2 चैप्टर साइंस में ख़त्म हो गया। बहुत से बच्चे बोलते हैं, कुछ मैंने सुना है, मुझे भी लगता है कि मैं बहुत धीरे पढ़ाता हूँ, लेकिन बहुत धीरे नहीं, मैं बहुत तेज़ पढ़ा रहा हूँ। देखो बेटा, साइंस में कुल मिला के 15 चैप्टर हैं तुम्हारे ना, 15 चैप्टर हैं, और मैंने ख़त्म किया है 14 दिन में 2 चैप्टर। 14 दिन में 2 चैप्टर ख़त्म किया, मतलब कि हम ये करेंगे महीना भर में 4 चैप्टर ख़त्म करेंगे, महीना में 4 चैप्टर। भाई 4 महीना में तुम्हारा कोर्स ख़त्म हो गया साइंस का, 4 महीना में तुम्हारा कोर्स ख़त्म हो गया साइंस का। एक बार मैंने पढ़ा दिया, अगले 4 महीना में तुम 2 बार रिवाइज नहीं कर सकते हो, और क्या चाहते हो? वो भी मैंने प्यार से पढ़ाया, धीरे धीरे समझा समझा के, बाकी कोई हमें ट्रेन नहीं छूट रही, जल्दी जल्दी ख़त्म कर दो। जल्दी जल्दी करेंगे जो 4 महीने में ख़त्म होने वाला, 2 महीने में ख़त्म हो जाएगा, लेकिन ख़त्म हो जाएगा, तुम्हें मिलेगा का कुछ ना मिलेगा, समझ में तो तुम्हें आना चाहिए ना। इसलिए मैं बहुत जल्दी जल्दी नहीं चला रहा हूँ कि फटाफट ख़त्म कर दूँ। आप लोग कहाँ से हैं बताइए, जैसे कि आपकी क्लास प्रयागराज उत्तर प्रदेश से चलती है, और हम निवासी हैं सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश के, मतलब कुश भवनपुर जिसे बोलते हैं। अच्छा एक बात बताओ, इसमें कोई सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश से भी है भाई? बताइए, श्याम जी कुछ समझ में आ रहा है? देखो बच्चा, पूरा फ्री क्लास होती है यूट्यूब पे, बिल्कुल फ्री होती है बाबू, लेकिन आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को डेली रेगुलर ईमानदारी के साथ पढ़ना है। अगर आप ईमानदारी के साथ पढ़ते हो तब बेहतर होगा। हाँ, बिल्कुल फ्री क्लास होती है, कंप्लीट फ्री होती है, ठीक है? फिर क्लास ख़त्म हो गई, टाइम ओवर हो गया, बंद करा जाए?
बंद करा जाए। कोटा राजस्थान से प्रेमचंद हैं, दीपक यूपी गोरखपुर से हैं, बीएलपी म्यूजिक राजस्थान के भीलवाड़ा से हैं, प्रतिमा विश्वकर्मा रीवा मध्य प्रदेश से हैं, वहीं लिफ्का गिफ्ट जो हैं ये भैया कहाँ से हैं, बिहार छगरा से हैं। सर अभिषेक, अच्छा ओ ठीक है ओके, चलो ठीक है तो आज का क्लास बंद करते हैं भाई, कुछ इम्पोर्टेंट है, हमारे एक मित्र का आज बर्थडे है मैंने सुना है, मुझे याद तो नहीं था, कोई बताता ही नहीं मुझे, तो ठीक है आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत थैंक यू आप सभी को, क्लास को